हरियाणा में 2019 के चुनाव जो आ रहे हैं उसमें कांग्रेस की क्या भूमिका रहेगी? कांग्रेस 10 की 10 सीटें जीतेगी लोकसभा की, और हरियाणा की भूमिका देश में अगला प्रधानमंत्री राहुल गांधी बने उसमें एक निर्णायक भूमिका कांग्रेस पार्टी की होगी। ज़्यादा कांग्रेस का सवाल है, आज हर वर्ग किसान मजदूर गरीब आदमी छोटा व्यापारी कर्मचारी माताएं बहनें हर व्यक्ति आज त्रस्त है। नौजवान को रोजगार नहीं है, जगह जगह भ्रष्टाचार है, महंगाई अपने शिखर पर है, और ऐसे में समझता हूँ कि कल प्रधानमंत्री जी आए उनको लोगों ने नज़ारा दिखा भी दिया कि जब आप जनता की आवाज़ नहीं सुनते हैं तो जनता आपके साथ क्या करती है। मैं समझता हूँ कि लगातार हरियाणा की अनदेखी पिछले 4.5 वर्षों में मोदी सरकार द्वारा हुई, ना SYL का निर्माण इन्होंने करवाया, ना बड़े कोई प्रोजेक्ट हरियाणा के अंदर आए, केवल और केवल हरियाणा को बार बार जलाने का काम भाजपा के लोगों ने किया, छत्तीसगढ़ सरकार ने किया और मोदी जी उसको देखते हैं। कंवर साहब, आपने हाल ही में अभी बयान दिया कि आप विधानसभा का इलेक्शन लड़ेंगे, लोकसभा का नहीं लड़ेंगे, क्या रीजन है? क्या मुख्यमंत्री बनने की सलाह में विधानसभा का इलेक्शन लड़ेंगे? मेरे से पूछा था कि आप कौन सा चुनाव लड़ेंगे, तो मैंने बोला कि जौन सा पार्टी लड़वाएगी वो लड़ेंगे, और एक साथ अगर होगा तो विधानसभा लड़ेंगे। तो कौन सी विधानसभा से लड़ना चाहेंगे आप लड़ेंगे? सारी मेरी है, 90 की 90 विधानसभाओं में से जहाँ भी पार्टी का हुक्म होगा वहाँ, क्योंकि लहर कांग्रेस की होगी। हमने संघर्ष किया है, मेहनत किया है, साइकिल चलाई, पदयात्राएं की, लोगों के दुख सुख में शामिल हुए, तो आज पूरी तरीके से मैं समझता हूँ कि पूरा प्रदेश कांग्रेस में ही है और कांग्रेस के साथ। आज युवा अशोक तंवर की तरफ देखता है तो क्या मायने समझते हैं? देखिए, हम प्रदेश की तरफ देख रहे हैं, लोगों के जो दुख दर्द हैं संकट हैं वो किस तरीके से दूर हो, और उसमें लोगों की उम्मीद बंधी है, हमारे साथ भी बंधी है, पार्टी हाईकमान के साथ भी बंधी है, आज पूरा देश राहुल जी की तरफ भी देख रहे हैं। तो हम तो इतना कहेंगे कि हम किसी को ना उम्मीद नहीं करेंगे, जो लोगों के सपने हैं उसको साकार करने के लिए पूरा हमारा प्रयास होगा, और अमन चैन शांति प्यार प्रेम के साथ अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए हम देश और प्रदेश की तरक्की करेंगे। कंवर साहब, कांग्रेस में गुटबाजी हावी है, इस पर आप क्या? कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं, कांग्रेस में जितना प्रेम है उतना तो कहीं है ही नहीं। कंवर के कार्यक्रम में कोई विधायक शामिल नहीं होता है, विधायक के कार्यक्रम में कंवर शामिल नहीं होता है, वो सब व्यस्त है, अपना अपना कार्यक्रम दिया हुआ है हमने कि सब जा करके अपना काम करो और कांग्रेस को मजबूत करो। अभी हमारा जनसंपर्क अभियान कल से शुरू हुआ है, 40 दिन तक ये चलने वाला, हम हर घर तक पहुँचेंगे, 5-5 तरह के पंपलेट बांटेंगे, मोदी सरकार की विफलता, खट्टर सरकार का पूरा तरीके से फेल्योर, कांग्रेस की विचारधारा, स्थानीय मुद्दे, और UPA NDA के समय में पूरा आंकड़ों के साथ हम तथ्य रखेंगे कि किसके समय में असली तरक्की हुई और किसके समय में ये देश और प्रदेश पीछे की तरफ गया, और नए सहयोगी बनेंगे बूथ पर। क्या हरियाणा में महागठबंधन देखने को मिलेगा कांग्रेस के साथ? हरियाणा में कांग्रेस अकेले अपने बूते पर 10 और प्लस चंडीगढ़ में भी हम मत करेंगे, 11 सीटें हम जीतेंगे, तो किसी के गठबंधन की कोई ना तो गुंजाइश है ना जरूरत है। गठबंधन तो ये दूसरों का है, भाजपा का गठबंधन उनकी बी टीम इनेलो के साथ है, पंजाब में वो मिलकर के अकाली दल से लड़ते हैं, और भी इनके साथ कुछ लोग मिलेंगे अभी समय जैसे जैसे आएगा, लेकिन जब लोगों का मन बन जाता है, जन सैलाब जब उमड़ पड़ता है, आंदोलन तैयार हो जाता है, तो उसके सामने कोई नहीं दिखता। कल हाल ही में प्रधानमंत्री जी के साथ दीपेंद्र हुड्डा जी जो कांग्रेस से सांसद हैं उन्होंने मंच साझा किया, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हम तो यही कहेंगे कि मंच साझा नहीं करना चाहिए, और अब किस परिस्थिति में किया क्यों किया ये तो वही बता सकते हैं। एक हम जिस व्यक्ति ने पूरे मुल्क को हम ये प्रचार कर रहे हैं, हम लोगों के बीच में जा रहे हैं कि इस व्यक्ति ने पूरे देश को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया हर तरीके से, किसानों के ऊपर कहीं गोली चलवाई, कई किसानों को वैसे मारने का काम किया, गुजरात मॉडल जो झूठा झूठ पर आधारित मॉडल था वो मैं बेनकाब हो चुका है, ऐसे व्यक्ति के साथ मंच साझा करने से नुकसान होता है, कोई फायदा नहीं होता। होता और साहब, 2019 में त्याग की राजनीति करेंगे या कुर्सी की राजनीति करेंगे अगर मौका मिलता है तो? हम तो समाज देश और प्रदेश को आगे बढ़ाने की राजनीति करते हैं, और मैं समझता हूँ कि यही राजनीति सबसे बेहतर है, और उसके लिए जहाँ जैसी जरूरत होती है अशोक तंवर भी और सारे साथियों को तैयार रहना चाहिए, मुझे नहीं, सारे साथी मिलकर के लक्ष्य हमारा एक ही हो कि कैसे हम सांप्रदायिक और जातिवादी ताकतों को उखाड़ फेंके, गरीब किसान मजदूर का राज लेकर के आएँ, उस राज में राहुल जी नेतृत्व देश का करें,
और उसी के अंदर मैं समझता हूँ कि हम सबका जो हित है वो नहीं।